हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी जो कि बायो एनर्जेटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो so, एटीपी का जो सिंथेसिस होता है वो एडीपी से किस प्रकार होता है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे विथ डायग्राम साथ ही साथ हम एटीपी एडीपी साइकिल भी देखेंगे जो कि Exam point of view से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्राम एडीपी किस प्रकार होता है सो so, इसके लिए हम एटीपी सिंथेस का यूज करते हैं इज एन अ प्रोटीन डेट कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ अ एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल एडीनोस इन ट्राई फॉस्फेट यूजिंग एडीनोस इन डाइफास्फेट एंड इन ऑर्गेनिक फास्फेट ठीक है तो एटीपी सिंथेसिस को हम यूज करते हैं एटीपी के सिंथेसिस के लिए तो ये जो है एटीपी सिंथेसिस एक प्रकार का माइक्रोकॉन्ड्रियल एंजाइम है एक प्रोटीन है जो कि लोकेटेड होता है इनर मेम्ब्रेन में जो कैटेलाइज करता है जो उत्पेरित करता है उत्प्रेरित करता है हमारे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एटीपी को जो है एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल भी कहा जाता है तो एडिनोसिन ड्राइफास्फेट का जो सिंथेसिस होता है वो एटीपी सिंथेस यूज किया जाता है इसके लिए uh, इसके लिए साथ ही साथ एडिनोसिन डाईफॉसफेट और फास्फेट ग्रुप

अंडरगो अ कंडेसन रिएक्शन ठीक है कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा जो है दोनों का दोनों जो है आपस में जुड़ेंगे तो इसमें बेसिकली क्या होता है कंडेंसेशन uh, रिएक्शन जो है, कोई भी का, uh, जो है, एक होता है जिसमें है दो है फास्फेट ग्रुप एंड एलिंगेट जब जो है कंबाइन करेंगे, तो uh, करेंगे तो यहाँ पे वाटर जो है एलिमिनेट होगा तो इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन रियक्शन भी कहा जाता है तो कंडेक्शन के द्वारा ही ये दोनों जो है जुड़ते हैं आपस में यहाँ पे आप देखेंगे ये H2 ये ये फास्फेट ग्रुप का एच एंड इसका एच ओ यहाँ पे एच जो है हमारा बाहर निकल जाएगा और जो है वाटर इज एलिमिनेटेड एंड ए टी पी इज फॉर्म यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा इस स्ट्रक्चर में उसके बाद हमारा जो है ए का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे हमारा ए जो है बन जाएगा सो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉसफेट का स्ट्रक्चर हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में जिसमें हमने हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी डिटेल्स एक्सप्लेन किया है सो so, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा आप जाके उस वीडियो को पहले चेक कर सकते हैं सो so, ये हमारा एडिनोसिन ट्राई जो है एडिनोसिन ड्राइफास्फेट एंड फास्फेट

में आ जाएगा आपको सो so, ये एडिनोस ये हमारा एडिनिन राइबोस एंड

फॉर्मेशन होता है तो ये साइकिल चलता है और ऑफ सिंथेस फ्रॉम एटीपी का uh, है, uh, है। कि आपको समझ में आया होगा और आपके एग्जाम प्रिपेस के लिए हेल्पफुल हुआ होगा अगर आपको एमएससी सेमेस्ट्री एग्जामिनेशन से रिलेटेड पीडीएफ uh, चाहिए मिलेगा पीडीएफ स्टोर का आप उस स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं आपको एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे हैंडमेड नोट्स वहां पे मिल जाएंगे यूनिट वाइज सो so, बस ये था इस टॉपिक का एनालिसिस आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो सो so, आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग